हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का रिव्यू। इसमें हम आज लोग देखने वाले हैं इसके फीचर्स, इसमें क्या क्या नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बैक कैमरा में 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और तीसरा कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल और चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में। तो आपको इसमें एक फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का फोटो बना के देता है। अब चलते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो आपको इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको इसमें 16.9 सेंटीमीटर का एक फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले होता है। अब चलते हैं इसके मेमोरी के बारे में। तो आपको इसमें 6GB रैम देखने को मिल जाएगा और आपको इंटरनल स्टोरेज 64GB देखने को मिल जाएगा, जिसे आप एक्सपेंड करके 512GB तक बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो आपको इसमें 5020mAh हाई कैपेसिटी बैटरी देखने को मिल जाता है और आपको इसके साथ 30W का एक चार्जर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे फास्ट चार्जिंग करके आपको देता है। अब चलते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आपको इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डुअल सिम मिलेगा और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो आपको इसमें एक फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, यानी एक फिंगरप्रिंट जिसे आप लॉक खोल सकते हैं, स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, और आपको इसमें एक फेस लॉक के फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और परचेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।